क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। अब दो पार्ट में गिवन है, पहले वाले पार्ट में कहा गया है 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी हमें गिवन है, देखिए 10, 7, 4 ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, इस तरह से हमारा 30th टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए किसी एपी के पहला टर्म जो होता है ना उसे हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू कितना हमारा 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस इस वाली एपी में डिफरेंस कितने कितने का है, कॉमन डिफरेंस डी, तो वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हमने 7 - 10 कर दिया, तो कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। 30th टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या हमारा 30 है। देखिए nth टर्म को हम लिखते हैं ए एन, तो 30th टर्म को लिखेंगे हम ए 30, तो n की जगह कितना आ रहा 30 आ रहा, देखिए यहां पे, तो इसका मतलब हमें ए 30 फाइंड करना है ये इस तरह से। तो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है यहां पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, तो n की जगह में कितना पुट करना 30 पुट करना, तो यहां लिखेंगे a 30 इक्वल टू a की जगह कितना आ जाएगा 10 प्लस n की जगह फिर दोबारा से 30 माइनस 1 इनटू d की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये 10 ऐसी रहा प्लस 29 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 10 ऐसी रहा 29 के मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 87, माइनस का साइन था इस वजह से माइनस आ जाएगा यहां पर, तो माइनस का 77 बचेगा, ये हमारा ए 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहां पर कहीं जहां ए 30 आएगा ना, तो वो वाला टर्म हमारा कितना रहेगा माइनस का 77 रहेगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया 11th टर्म, तो भाई nth टर्म को हम लिखते हैं an, तो 11th टर्म को हम लिखेंगे A11 इस तरह से। तो AP हमें गिवन है माइनस का 3 माइनस का 1/2 2, तो किसी AP का पहला वाला टर्म को A से शो करते तो वो हमारा क्या माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं इस वाली AP का, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारा है माइनस का 1/2 माइनस और फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 हमारा फर्स्ट टर्म, माइनस का 1/2 ऐसे ना, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, एलसीएम हमने ले लिया 2, माइनस का 1 ऐसे रहा 2, 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 5/2, ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया इस वाली एपी का। और हमें 11th टर्म फाइंड करना, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन वाला, तो ए एन का फॉर्मूला होता हमारा nth टर्म का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें ए 11 फाइंड करना, मतलब n की जगह क्या पुट करना 11, तो यहां लिखेंगे हम a 11 इक्वल टू a की जगह कितना पुट करेंगे माइनस का 3 प्लस n की जगह फिर से 11 माइनस 1 और d की जगह कितना जाएगा 5/2 माइनस का 3 ऐसे रहा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 10, 5/2 2, 5 जा 10 माइनस 3, 5, 5 जा 25, तो ए 11 हमारा कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है।